जनाब फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और आप लोगों ने मिलकर बताना है कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो जी सही है जनाब, अब हम चलते हैं दावत में इंशाल्लाह। फिर मैं आप चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ पोप खा लेना, जल्दी से तैयार हो, फिर हमने जाना है दावत में। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों अपने घर से हम सबको देख रहे होंगे। और आप सब ने ईद के 3 दिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए होंगे। हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग अपने घरों की ईद को किस तरह बना सकते हैं। तो भाई मैंने आपके साथ जुड़ना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आज है अनायबा के मदरसे में वन डिश पार्टी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं उसको बना के क्या दे रही हूँ। तो भाई मैं आपको दिखाती हूँ। तो अनायबा ने फरमाइश करी कि मुझे मैक्रोनी बना दे, तो मैं क्योंकि मैक्रोनी बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। और इस टाइम दोपहर के बज रहा है 1, ये आप देख सकते हैं। ये मैक्रोनी के लिए मैंने लिया कीमा, कीमे के अंदर मैंने मसाले वगैरह डाल के इसको भून लिया। और जब अब ये भुनाई के ऊपर है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैक्रोनी। ये आप देख सकते हैं ये मैक्रोनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मैक्रोनी को इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मैंने सिंपल ऊपर नीचे करके चला लेना है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आज हम बना रहे हैं अपने किचन में कीमा मैक्रोनी। और दोपहर का 1 बज रहा है और अनायबा ने जल्दी से मदरसे जाने 2 बजे, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी इसके मैक्रोनी को रेडी कर लूँ। अगर आपको कीमा मैक्रोनी की पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो जनाब चैनल पर नए आने वाला सब गुजारिश है कि चैनल को देख के दूर मत जाया करें, हमारे साथ बन जाया करें, हमारी प्यार में हमारी मोहब्बतों में। तो इसी के साथ ही हमारी प्यार और मोहब्बत देखने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। जी अनायबा कहाँ जा रही हो बेटा? मेरे मजा से मैं वन डिश पार्टी है, बाजी ने बुलाया है कि ना कोई भी ना घर से कोई एक चीज है और मैं लेके जा रही हूँ मैक्रोनी। आप देख के आयो मदरसे खुला हुआ है क्या बंद है? जी मैंने देख के आई हूँ, देख लो कहीं आप जाओ फिर मदरसा बंद हो। फिर दुपट्टा ओढ़ो। चलो मेरा बेटा सलाम करके जाना, जोर से करो। चलो अल्लाह हाफिज़। तो भाई हमने जाना है दावत में और रात के बज रहे हैं 7 बजे का टाइम है। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने के लिए आई, मैंने सारे बच्चों के कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद अभी मुझे प्रेस करना है, प्रेस करके सबसे पहले बच्चों को तैयार करूंगी और बच्चों को तैयार करने के बाद फिर मैं खुद तैयार होंगी। मैं सबसे आखिर में तैयार होती हूँ क्योंकि पहले तैयार हो जाऊँ तो फिर बच्चों ने इतना शोर करना होता है। ये है कि मैं जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करके और इनको जल्दी से बाहर कर दूँगी ताकि मैं अपना सुकून से तैयार हो जाऊँ। नहीं तो एक बच्चा मुझे यहाँ से तंग कर रहा होता है, एक मैंने लाइनर को छेड़ रहा होगा, एक के हाथ में लिपस्टिक होगी, तो मेरा तैयार करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। चलिए जी भाई चलो तैयार हो, जल्दी जाओ उसके बाहर। अपना सूट उठाओ जल्दी से। ये वाला? हाँ ये आपका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कपड़े प्रेस करके फारिग हो गई हूँ, वहाँ मेरा सूट रखा हुआ है, यहाँ बच्चों को है। जी 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 चलो जल्दी से मेहरमा मेहरमा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ पोप खा लेना, जल्दी से तैयार हो, फिर हमने जाना है दावत में। चलो जल्दी से पहनो कपड़े प्रेस। अनायबा बेटा उस रूम में आपके कपड़े रखे, जल्दी जाओ तैयार हो जाओ। जी मम्मा जाओ जल्दी से मेरा बेटा। गाइस आप लोगों को पता है आज हमारे मदरसे में वन डिश पार्टी थी गाइस, कल हम फ्रेंड्स ने वन डिश पार्टी रखी है गाइस, अब तो मेरे मजा ही बोल रहे हैं। आई सो उल्टी शर्ट पहन के आ गए, जाओ जल्दी से जाओ सीधी करके पहनो शर्ट, जल्दी जाओ। ये देखे भाई, देखे कहीं जाना हो ना इसका रोना शुरू हो जाता है। ये देखे आपको नजर आ रहा होगा, कहीं जाने के लिए इसको तैयार करो, कुछ करो, ये इतना देर तक रो रहा होता है।
अभी जब भी फिर मैं बच्चों को जल्दी जल्दी पहले तैयार कर दे दूँ ताकि फिर मैं बाद में तैयार हूँ और बच्चे पहले तैयार हो जाए ताकि फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तैयार होकर बच्चे फिर तैयार हो जाते ना, जहनी सुकून रहता है। हाँ मेरे बेटे कूल हो आप, कूल हो लो। चलो मम्मा ताल कर लिए जाने मेरे बेटे को, है ना। हाँ चलो लोई लोई निकलते। चलो भाई आप लोग जल्दी जल्दी शूज पहनो और जाओ, मैं फिर आ रही हूँ जल्दी से तैयार होके आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है मेरा बेटा। हाँ हाँ मैं ले रही हूँ, उसको भी ले रही हूँ। उसको पता है ना कि आज हमने जाना है तो उसने रोना ही है ना। अब मैं तैयार होने लगी हूँ, अपना मेकअप उतार रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सिंपल से अगर किसी ने दावत करी हो तो सॉफ्ट मेकअप आप किस तरह करें, ना वो ज़्यादा हैवी हो ना डार्क हो। और सिंपल मेकअप की लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा और लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। अगर आप मेकअप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मैं मेकअप ट्यूटोरियल करूंगी ताकि उससे वो आप देखें और आपको पता चले कि मेकअप किस तरीके से किया जाता है सॉफ्ट मेकअप। जनाब फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और आप लोगों ने मिलकर बताना है कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो जी सही है जनाब, अब हम चलते हैं दावत में इंशाल्लाह, फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। तो इसी के साथ ही आप मेरे साथ बंदे रहे और मेरी आगे वाले वीडियो अब मैं जो आगे शूट करूंगी उसका अब मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। जी तो भाई ये दावत मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स की तरफ से थी, तो इंतज़ार सिर्फ हमारा ही हो रहा था दस्तरखान वगैरह। वो जैसे ही हम लोग गए उन्होंने फ़ौरन से दस्तरखान लगा दिया और दस्तरखान लगाने के बाद उन्होंने बनवाई हुई थी बिरयानी पाए और बड़े की चाप फ्राई कबाब और कोल्ड ड्रिंक रायता सलाद रोटियां हर चीज़, मतलब हर चीज़ उन्होंने मेंटेन करके रखी थी। बच्चे खाने को एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग आ रहा था दावत में, आप लोगों को तो पता है कि दावत हो सब एक साथ इकट्ठे मिलके बैठे एक साथ होके बैठते हैं तो उसमें मज़ा बहुत आता है। और बच्चों की शरारतें शुरू हुई भी थी। जी तो भाई मैंने अपने खाने के लिए ली बिरयानी और उसके साथ लिया कबाब। और खाना खाते हुए भी बच्चा मेरा इतना तंग कर रहा था, इतना रो रहा था, तो इसको मुझे हाथ में लेके ही खाने को खाना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि अम्माओं ने एक एक तरफ एक बच्चे बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे बैठे हुए होते हैं और बच्चों ने वो धम मचाया हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक दे दो सलाद दे दो। चाहिए कुछ और नायबा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि दोपहर में भी उसकी पार्टी थी और रात को भी वो, तो अब सबको बताया जा रही थी कि आज हमारी मदरसे में भी पार्टी थी तो आज भी पार्टी है। ना फाइनली हम दावत से आ चुके हैं। दावत से आने के बाद खाना बहुत मज़े का था, सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, हमें बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और जो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी, आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा। तो जी जनाब इसी के साथ ही अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप का लुक, ये सॉफ्ट मेकअप किया मैंने बिल्कुल नेचुरल था, आपको ये कैसा लगा। ठीक है जी, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।